हम लाहौर में हैं, पंजाब का दारुल हुकूमत और सदियों पुराना शहर, ये क्रिकेट का भी शहर है। और आज एटीएफ सदर पंजाब और सेंट्रल पंजाब की टीमें आमने सामने हैं कायदे आजम ट्रॉफी के सिलसिले में। Well, it looks a bit different than we saw in Rawalpindi. There is grass available, but underneath it's not that hard as it was in Rawalpindi. We can tell there is grass, but I can definitely feel that my fingers are going in. So, in my opinion, there is something for everyone. But if you are the toss-winning captain, win the toss, ball first, and give your bowlers the chance to utilize this early moisture in Lahore. दोनों टीमों में दो-दो तब्दीलियां की गई हैं। इमरान डोगर इस सीज़न में पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नज़र आएंगे। ओपनिंग बैट्समैन हैं, बड़े स्टाइलिश, लाहौर से इनका ताल्लुक है और इस मैच के लिए अब्दुल्ला अवेलेबल नहीं थे। इस तरह एक और तब्दीली है, बिलाल आसिफ को ड्रॉप किया गया है। निसार अहमद एक इजाफी पेसर का इस्तेमाल किया है सेंट्रल पंजाब ने। इस तरह एटीएफ सदर पंजाब को उमर सिद्दीक और आज़म खान की खिदमत हासिल नहीं। शारून सिराज की वापसी हुई है, जीशान अशरफ को मौका मिला है विकेट कीपिंग और बैटिंग करने का। और ये आखिरी मैच है मरहले का। जीशान इनिंग्स आगाज करने के लिए मैदान में पहुंच गए हैं। जी हाँ बिल्कुल तारिक, तमाम देखने वालों का खैर मकदम है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर से आमिर यामीन यहाँ पर गेंदबाजी का आगाज करेंगे सेंट्रल पंजाब की जानिब से। वली याकूब, राशिद रियाज अंपायरिंग कर रहे हैं। अच्छा शॉट, लाजवाब ऑफ ड्राइव, आउटफील्ड खासी सुस्त है लेकिन गेंद की चमक दमक इसे ले जाएगी पवेलियन एंड के सामने। अपने बल्ले का फेस आखिरी लम्हे पर ओपन किया और कोई मौका नहीं था पॉइंट पर खड़े हुए जफर गौहर के पास। बी टू बी बाउंड्रीज, जीशान अशरफ को आगे गेंद पिच कर रहे हैं आमिर यामीन। शानदार, बड़ा दिलकश स्ट्रोक ऑफ साइड में, मुतवातिर तीन चौके लगाए, अपनी धाक बिठा दी है जीशान अशरफ ने। उठाकर खेला, फील्डर हैं लेकिन वो देखते ही रह जाएंगे लॉन्ग लेग पर। जैन ने आड़े हाथों लिया, मुमकिन है आज भी ऐसा ही देखने को मिले। इमरान रफीक ये बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। ये अच्छा शॉट, यहाँ पर चार रन्स मिल जाएंगे। ऑफ साइड में प्रैक्टिस पिच पर पहुंचकर गेंद की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और किनारा लगा लेकिन गेंद निकल गई तीसरी स्लिप के बराबर से। कासिम अकरम ने डाइव की लेकिन गेंद एक तो नीचे गिर रही थी, उनसे दूर भी जा रही थी। लिस्ट में जो एक चीज़ हमें देखने को मिली है कि पहले दो स्पिनर्स हैं, उसके बाद जो बाकी तीन हैं वो पहले दो पेसर्स और बाकी तीन स्पिनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जीशान अशरफ जो है वो अपनी बैटिंग के जौहर दिखा रहे हैं। बॉल चला जाएगा चार रन के लिए। जीशान अशरफ को अगर आप वेट देंगे तो वो आपको नहीं बख्शने वाले हैं। ये रफ्तार है वो मिलती है, इसे उठाकर खेल दिया और ये मौका है सेंट्रल पंजाब के पास पहली कामयाबी का। इसे हाथ से नहीं जाने दिया, मुतबादल फील्डर उसामा मीर ने ये हाई कैच लिया। कमजोर शॉट खेला था जैन अब्बास ने, थोड़ा सा अपना फोकस और कंट्रोल खो बैठते हैं यहाँ पर। इसको कदमों का इस्तेमाल करके ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की, एक लीडिंग एज और गेंद काफी देर तक हवा में रही। उसामा मीर जो मुतबादिल फील्डर हैं उन्होंने ये कैच लेकर जैन अब्बास की इनिंग्स का खात्मा किया। जैन अब्बास 25 रन इनका इनफरादी स्कोर रहा, 34 गेंदों का इन्होंने सामना किया। साधन पंजाब 60, मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। स्विंग करने की कोशिश की, गेंद आगे गिरी और इसे डिस्पैच कर दिया उस्मान सलाहुद्दीन ने। आप अगर फ्लैश करेंगे इस तरह तवील दौरानिया की क्रिकेट में तो आपको बाउंड्रीज तो मिल जाएंगी कभी कभार, लेकिन आप मौके भी देंगे सामने वाली टीम को।
71 पर एक। जफर गौर ये इकलौते स्पिनर हैं, शानदार शॉट, इस बार अगले कदम का आला इस्तेमाल किया, एक और चौका उस्मान सलाहुद्दीन का। ड्राइव के लिए दूर से, लेकिन चार रन फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि कुछ भी अगर ओवर पिच करेंगे ये बहुत। शानदार, ये कमाल का शॉट है, आगे पिच हुआ बॉल जिसे कलाइयों की मदद से ड्राइव किया है चार रन के लिए। इस शॉट को देखने के बाद इस दफा कट किया है, यहां पर मजीद रन मिलेंगे। एक और ड्रॉ, शानदार शॉट उस्मान सलाहुद्दीन का। सॉफ्ट हैंड से खेले, बॉल चार रन के लिए चला जाएगा। फ्रस्ट्रेशन जरूर है उमैद आसिफ की, लेकिन जिशान अशरफ ने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं, अपने करियर की छठी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है, बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छी इनिंग रही है, अटैकिंग इनिंग रही है। जी अपने पिछले मैच में और इस दफा इसको खेल दिया शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन की जानेब, शानदार टाइमिंग, चार रन्स। आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिसे आसानी से जाने दिया उस्मान सलाउद्दीन ने, और इसके साथ ही यहां पे 10वें राउंड के पहले दिन का ये खेल मुकम्मल हुआ, खाने के वक्फे का खेल मुकम्मल हुआ। ये जो सेशन है ये डेफिनेटली ATF सदन पंजाब के नाम रहेगा। थोड़े महंगे भी साबित हुए सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स, अपनी लेंथ को पहले आधा घंटा तो बिल्कुल नहीं समझ पाए और उसको कैपिटलाइज किया जिशान अशरफ ने, बाउंड्रीज मारते रहे, रन्स हासिल करते रहे। स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि जिशान अशरफ बहुत ही शानदार तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, 50 स्कोर की अपने फर्स्ट क्लास करियर की छठी 50 थी। उस्मान सलाउद्दीन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जैन अब्बास एक वाहिद खिलाड़ी थे जिनको साद ने उनकी विकेट हासिल की, तो अब तक बेहतर पोजीशन में है ATF सदरन पंजाब। स्ट्रगल रही है बॉलर्स के लिए, सिर्फ एक ही बॉलर विकेट हासिल कर सके हैं, वो मोहम्मद साद हैं, 11 रन दिए उन्होंने 3 ओवर में, महंगे साबित हुए हैं बाकी बॉलर्स। अगर हम कंडीशंस को देखें, आमिर यामीन, उमैद आसिफ, निसार अहमद, हुनैन शाह विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे हैं, 106 रन एक विकेट गवा के। खुली और रोशन धूप है नवंबर की यहाँ लाहौर शहर में, जहाँ ATF सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब की टीमें कायदे आजम ट्रॉफी के अहम तरीन मैच में आमने सामने हैं। तो सेंट्रल पंजाब की टीम को फाइनल तक रसाई पाने के लिए ये सेशन बेहतर तरीके से गुजारना होगा, क्योंकि ये पहले जो 2 घंटे थे हम कह सकते हैं कि उनके फास्ट बॉलर्स ने नई गेंद ज़ाया कर दी। यहाँ इससे पहले FC कॉलेज एंड से मोहम्मद साद ने 3 ओवर्स किए, 11 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया एंड तब्दील किया है उन्होंने। उठाकर खेल दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर मौजूद हैं, और ये किनारा लगा था और गेंद निकल गई इस मरहले पर। इस शॉट में जरूर जान नजर आई, 4 रन्स जीशान अशरफ ये बाउंड्रीज में ही आज सौदेबाजी करते हुए नजर आए हैं, और अंपायर ने इस अपील से इत्तेफाक कर लिया। ये शुबा हुआ था कि गेंद शायद लेग स्टंप के नीचे गिर रही है, लेग साइड में ये देखिए शॉट खेलने के लिए गए और फॉल ओवर कर गए, लेकिन बदकिस्मत रहे यहाँ पर उस्मान सलाहुद्दीन। अच्छी फाइटिंग इनिंग रही, 29 रन बनाए, अनलकी रहे क्योंकि बहुत आसानी से ये डिसीजन इनकी फेवर में भी जा सकता था। यहाँ पे एक अहम विकेट हासिल किया, 121 पर 2 सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब राधा। विकेट कीपर दोबारा मुश्किल में अली, और ये 4 रन बाई के, चोट का ज्यादा एहसास होगा में मंजर देखने के बाद। अच्छा कट शॉट
और चार रन ज़ीशान अशरफ। ड्राइव किया यहां पर खूबसूरती के साथ ज़ीशान अशरफ, अपने स्कोर को 70 के पेटे में ले गए। शानदार बल्लेबाजी ज़ीशान अशरफ की जानिब से। ड्राइव किया खूबसूरती से इमरान रफीक, ये शानदार टाइमिंग वाला शॉट है और गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान बाउंड्री लाइन पार कर गई चार रन के लिए। और बाहर आकर वार किया, बहुत जोरदार शॉट और इसका नतीजा भी मिलेगा। एक बार फिर गेंद को हवा दी और ज़ीशान अशरफ ने भी सामने से ऐसा ही किया। बहुत ज्यादा फ्लाइट देने पे यकीन रखते हैं और फिर खोलकर खेला ज़ीशान अशरफ का एक और छक्का और ये सबसे बड़ा आज के दिन का। आई थिंक वो सबसे बेहतरीन पिच थी और ये बेहतरीन शॉट और कट कर दिया चार रन के लिए। और इस तरह ज़ीशान अशरफ ने इस मिलने वाले मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपनी सातवीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल कर ली। फौरन ही वो सजदा रेज भी हो गए। चांसलर्स इनिंग्स उनने खेली है इस लाहौर की ग्रीन टॉप पिच पर। कप्तान हसन अली ने भी उठ के उन्हें दादो तहसीन पेश की। बाहर निकलकर खेला है इसे एक्स्ट्रा कवर की जानी इनसाइड आउट। ज़ीशान अशरफ को अब हम ज्यादा जारहाना मूड में देखेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट किया इस गेंद को, कोई मौका नहीं यहां पर फील्डर के पास और गेंद पलक झपकने में बाउंड्री पार कर गई चार रन के लिए। कामयाबी हासिल की रावलपिंडी में, जबकि सेंट्रल पंजाब की अगर हम बात करें, शॉर्ट बॉल था, इसको पुल कर दिया खूबसूरती के साथ। एक और पुरेतमाद स्ट्रोक इमरान रफीक का और अपने खाते में दूसरी बाउंड्री का इजाफा किया इमरान ने। ऑप्शन के बाहर गेंद बैकफुट पर जाकर निकाल दिया खूबसूरती से, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। ज़ीशान अशरफ अपनी शानदार बारी जारी रखे हुए। ऑप्शन के बाहर गेंद थी एक मरतबा फिर फ्लैशिंग ब्लेड और की बाहर फील्डर इस गेंद को फील करने में कामयाब होंगे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान और इस गेंद पर दो रन हासिल करने में कामयाब रहे 51 के बाद 199 दो विकेट्स के नुकसान पर। और अंपायर ने चाय के वक्फे का ऐलान किया है कजाफी स्टेडियम में। जो बैटिंग थी वो यकीनी तौर पर ज़ीशान अशरफ के नाम रही जो अभी 119 के स्कोर पर अभी तक नाकाबिले शिकस्त हैं। दोनों बैट्समैनों ने अपनी टीम की बारी को बड़े बेहतर अंदाज से संभाला है। एटीएफ सदन पंजाब ज़ीशान अशरफ 119 रन पर अभी भी नाकाबिले शिकस्त हैं और आउट होने वाले दो बैट्समैनों में ज़ैन अब्बास ने 25 रन बनाए, इसके अलावा उस्मान सलाहुद्दीन 29 रन बनाकर आउट हुए। इमरान रफीक 14 रन पर अभी विकेट पर मौजूद हैं। जी हाँ, बॉलिंग की बात की जाए तो उमैद आसिफ और साद ने एक एक विकेट ज़रूर ली है, लेकिन तमाम ही बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बदौलत 199 रन बना लिए हैं सदर्न पंजाब की टीम ने दो विकेट के नुकसान पर। हम कजाफी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त हैं जहां एटीएफ सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दरमियान आज पहला दिन है। बहुत मेहनत करना पड़ेगी यहां से मैच में वापस आने के लिए। सेंट्रल पंजाब की टीम को और ख़ास तौर पर उनके बॉलर्स को जो दबाव में लगते हैं। सेंट्रल पंजाब के लिए मस्ट विन गेम है, लेकिन उनको दिफा पर मजबूर कर दिया है। उमैद आसिफ बॉलिंग करेंगे एफसी कॉलेज एंड से। इस बार दिलकश तरीके से खेला, गैप ढूंढ निकालने में कामयाब हुए। गेंद हवा में गई लेकिन फील्डर से दूर, चार रन का और इजाफा। और बाहर निकलकर खेला और गेंद बहुत दूर चली है सामने पवेलियन एंड पर, एक और छक्का ज़ीशान अशरफ का। और ये एक और उठता हुआ शॉट और एक और छक्का। गेंद आसमान से बातें करती हुई आई
और शानदार ड्राइव, ये चार रन, छक्के के बाद चौका इमरान रफीक का। एक और, इस बार भी टाइमिंग आला थी और नहीं पहुंच सके। खान ने कोशिश की, आखिर में गेंद ज्यादा तेज होती गई, रुकनी चाहिए थी। एज, ओए बॉल ऊपर से चला जाएगा। ओह, गुरेज नहीं करते हैं। देखिए फुल टॉस, आसानी से खेल दिया, शानदार तरीके से गैप कामयाबी से तलाश किया, ये बॉल चला जाएगा चार रन के लिए। तो कमाल की बैटिंग और उसकी मदद कर रही है सम एवरेज बॉलिंग। आउटसाइड एज यहां पर, और जफर गौहर या तो इस कैच को लेने में नाकाम रहे और या गेंद फील्डर तक कैरी नहीं कर पाई। ये सीजन बहुत अहम है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, एक ही रन तेजी से हासिल कर लिया, ड्राइव थ्रो है ये, करीबी मामला हो सकता था। तैयब ताहिर का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है और ये बॉल चला जाएगा चार रन के लिए विकेट्स के लगने के बाद। तो जो स्टोरी है सेंट्रल पंजाब के दिन की, वो समाप्त होती है इस थ्रो पे। वो हम ये दे सकते हैं कि जो पहला इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल किया ईडन गार्डन्स पे मज़र ने, तो उस वक्त बेन स्टोक्स जो है वो रिसीविंग एंड पर थे, उस दिन वो जीरो थे और इस बार हीरो रहे। और ये जीरो हो सकते थे जीशान भी, इमरान डोगर की अगर थ्रो लग जाती विकेटों पर। कई जो मैदान है वो नहीं, वहाँ क्रिकेट हो रही। और ये चार रन, खासी खराब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत देर के बाद विड्थ मिल गई जीशान को। और इस सिंगल के साथ इमरान ने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए और फर्स्ट क्लास में उनके अब ये 10वीं 50 है। उठाकर खेला और फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे इसी मकसद के लिए। हुनैन शाह ने वहां बिल्कुल गलती नहीं की और कासिम अकरम को उनकी उम्दा बॉलिंग का सिला मिल गया बहुत देर से। ये देखिए आजादाना शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन पार नहीं कर सके हुनैन को। 145 रन बनाए, अपने फर्स्ट क्लास करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली 261 पर 3। बहुत ही शानदार तरीके से शॉट खेला है, बॉल चला जाएगा चार रन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आप कंफर्टेबल होते जा रहे हैं इमरान रफीक। एक बार फिर वलीद याकूब और राशिद रियाज इकट्ठे होते हुए लाइट को दोबारा देख रहे हैं कि क्या ये लाइट काफ़ी है कि क्रिकेट जारी रखी रखे। शायद उनका इशारा ये है कि बस काफ़ी हो गया, ये बॉल इससे ज़्यादा क्रिकेट अब जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। तो एक जो दिन है ये अख्ताम पजीर हुआ, सेशन बाय सेशन अगर हम देखें अच्छी रन रेट भी कमाल की रही है, 4.10 पहले सेशन में, 3.7 जो दूसरे में, और 3 की रन रेट रही है आखिरी सेशन में, और एक एक विकेट गवाई है तीनों सेशंस में। शानदार सेंचुरी स्कोर की, 145 रन बनाकर कासिम अकरम का शिकार हुए। इसके अलावा जैन अब्बास ने 25 रन बनाए, उस्मान सलाउद्दीन 29 रन बना पाए, इमरान रफीक नाकाबले शिकस्त निफ सेंचुरी स्कोर करके अभी क्रीज पे मौजूद हैं जबकि सलमान अली आगा उनका साथ दे रहे हैं। 12 एक्स्ट्रा की बदौलत 74.3 ओवर्स में एडीएफ सदन पंजाब की टीम 270 रन बना पाई है 3 विकेट्स के नुकसान पे। स्ट्रगल रही है, 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है सेंट्रल पंजाब ने लेकिन सिर्फ 3 बॉलर्स ऐसे हैं जो विकेट हासिल कर सकें, उमैद आसिफ, मोहम्मद साद और कासिम अकरम, इन तीनों विकेट्स, बाकी स्ट्रगल रही है। 270 रन एटीएफ सदन पंजाब ने बना लिए हैं।